अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो फाइव प्लेयर यानी कि एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, उनमें से फर्स्ट टू एंजाइम है टोपोइसोमेरेज और हेलिकेज, उनका क्या रोल है रेप्लिकेशन में और ये किस तरीके से जो है रेप्लिकेशन बनाने में मदद देते हैं, आइए देखते हैं। माई क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा होगा रेप्लिकेशन के दो मेन प्लेयर्स के ऊपर, यानी कि डीएनए हेलिकेज और डीएनए टोपोआइसोमेरेज के ऊपर। आइए सबसे पहले देखते हैं कि डीएनए हेलिकेज किस तरीके से डीएनए के स्ट्रैंड को अनवाइंड करता है और फिर अनवाइंड करने के साथ साथ ये हाइड्रोजन बांड को कैसे ब्रेक करता है। सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये अनवाइंडिंग डीएनए के लिए जो है यूज किया जाता है, जैसे इसके नाम अवेलेबल है, इट ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन, गवानिन एंड साइटोसिन। और उसके बाद ये सब कुछ किस तरीके से करता है, ये सारे का सारा जो है वो एटीपी की एनर्जी को यूज करते हुए जो है ये सारा काम करता है। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इट्स अ हेक्सामेरिक प्रोटीन, यानी कि जैसे आपको इस इमेज में नजर आ रहा है कि इसकी जो है वो टोटल जो है सिक्स डोमेन्स हैं, सिक्स यूनिट्स हैं जो अभी आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे, जिनको यूज करके ये जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। और फिर फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये अगर ओपन नहीं करेगा डीएनए के स्टैंड को तो रेप्लिकेशन फोर्क नहीं बनेगी या डीएनए अनजिप नहीं होगा। अगर डीएनए अनजिप नहीं होगा तो डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज, हेलिकेज, बाकी प्लेयर जो है वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये ओपनर है या स्टार्टर है इस गेम का। ओके, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, आपको जो है यहां पे सिक्स इसकी जो है डोमेन नजर आ रही है। जो फर्स्ट डोमेन इसकी है वो यूज करती है एटीपी को डीएनए को अनवाइंड करने के लिए। और इसी तरीके से इसकी जो सेकंड डोमेन है वो रेप्लिकेशन में तो इन्वॉल्व है ही है, साथ साथ वो रिपेयर और रिकम्बिनेशन का काम भी अदा करती है और इसके अलावा आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन में भी इन्वॉल्व होती है इसकी हेलिकेज की डोमेन नंबर टू। और जो थ्री है वो सपोर्टर है किसकी, वन डोमेन की। और इस तरीके जो फोर हमारे पास है वो भी सपोर्ट करती है किसको, अनवाइंड करने के लिए डीएनए को, जो हमारे पास डोमेन नंबर वन को, यानी कहने का मतलब डोमेन नंबर वन, थ्री एंड फोर ये तीनों मिलके जो है डीएनए को अनवाइंड करती हैं। और जो फिफ्थ है वो डीएनए के साथ बाइंड रहती है। और जो हमारे पास सिक्स डोमेन इसकी है वो ट्रिपल ए प्लस कोर, यानी कि हम कह सकते हैं उसको न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करने के लिए वो यूज करती है, यानी कि होल्ड करने के लिए डीएनए को। तो इस तरीके से इसकी ये सारी डोमेन जो है इसके हाथों के तौर पे काम करती ताकि डीएनए को इजीली जो है अनवाइंड किया जाए। ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर था। आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। बड़ा सिंपल सा, ये देखिए आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ऐसे हेलिकेज आएगा और क्या कर देगा, हाइड्रोजन बांड को ब्रेक डाउन कर देगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि यहां पे न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगा डीएनए पॉलीमरेज और यूं डीएनए की जो है वो एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड्स के बन जाएंगे। तो ये सिंपल सा काम किसका है, हेलिकेज का है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो इसका कंप्लीट जो है रेप्लिकेशन फोर्क अवेलेबल है, लेकिन हमारा कंसर्न कौन सा, दिस ब्लू वन, ये जो आपको यहां पे नजर आ रहा है ट्रायंगल, जिसको हम क्या कहते हैं, हेलिकेज। और वेरी क्लियर देखिए डीएनए का ये जो स्टैंड है ऊपर भी बेसिस है नीचे भी बेसिस है, ये हाइड्रोजन बांड को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, हेलिक्स को तोड़ रहा है ये, ठीक है। तो ये डीएनए का हेलिक्स यहां से टूट रहा है और जैसे हेलिक्स को टूटेगा इन दोनों बॉन्ड्स को, यानी कि एटी और जीसी के दोनों बॉन्ड्स को यहां से क्या करता है, ब्रेक करता है। जैसे ये ब्रेक करता है तो ये जो दोनों स्टैंड अनजिप होते हैं और पीछे से पॉलीमरेज आके और या प्राइमेज आके इनके ऊपर प्राइमर ऐड करके दो स्टैंड के सेंसेस करना शुरू कर देता है, जो कि हम बाद वाले लेक्चर में वन वन डिस्कस करेंगे। और आगे देखें टोपोआइसोमेरेज इसके सामने लगा होता है, ठीक है, और टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, वो डीएनए की जो सुपर कॉइलिंग है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, उसको जो है वो कंट्रोल करता है, यानी कि हेलिकेज को वो सपोर्ट करता है। ओके जी, हम बात करते हैं अब टोपोआइसोमेरेज की। टोपोआइसोमेरेज जो है वो इंड्यूस करता है रिवर्सिबल ब्रेक, जिससे क्या सुपर कॉइलिंग रिमूव होती है और डीएनए अपना प्रॉपर फंक्शन अदा कर सकता है। अगर आपने डिफरेंस देखना हो हेलिकेज का, टोपोआइसोमेरेज से छोटा सा पॉइंट है, यानी कि दोनों स्टैंड को जो है ब्रेक करने में इन्वॉल्व तो है, लेकिन जो स्टैंड की जो स्ट्रिंग्स हैं जिनको हम कहते हैं हमारे पास हाइड्रोजन बांड, उसको हेलिकेज तोड़ता है, जबकि टोपोआइसोमेरेज जो है वो फास्फोडाइएस्टर बांड को तोड़ता है, यानी कि जो थ्रेड होता है, जो स्टैंड होता है, उसको ही तोड़ देता है ताकि सुपर कॉइलिंग को रिमूव किया जाए, फिर बाद में लाइगेज को जोड़ देता है। ये सिंपल सा डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो है टोपोआइसोमेरेज की दो टाइप्स हैं, यानी कि टोपोआइसोमेरेज 1 क्या करता है, सिंगल स्टैंड की ब्रेक करता है, जबकि हमारे पास जो टोपोआइसोमेरेज 2 है वो डबल स्टैंड को तोड़ देता है ताकि जो है सुपर कॉइलिंग को कंट्रोल किया जाए।
पर अगर हम फर्दर मूव करें तो इसको जैसे टोपोइसोमरेज जो है वो डीएनए की ब्रेक करता है, उसके बाद डीएनए अनवाइंड होता है और वहां से सुपर कॉइल रिमूव होती है, दोबारा डीएनए को रीसेल कर देता है बाय लाइगेज एंजाइम। और ये क्या करता है टोपोइसोमरेज, ये भी एनर्जी यूज करता है एटीपी से, यानी कि एटीपी से टायरोसिन फास्फोरिलेशन के लिए जो एनर्जी यूज करके ये सारा परफॉर्म करता है काम। आइए आप देखते हैं कि नेगेटिव सुपर कॉइल क्या होती है और पॉजिटिव सुपर कॉइल क्या होती है। दिस इज अ डीएनए सेगमेंट, यहाँ पर एप्लीकेशन की इनिशिएशन हुई, ये देखिए जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पर एप्लीकेशन इनिशिएशन, और यहाँ पे येलो कलर में डीएनए हेलिकेज आया और यू हेलिकेज जो है हाइड्रोजन बांड को ब्रेक करेगा। जैसे हेलिकेज हाइड्रोजन बांड को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे देखें यहाँ पे भी क्वाली होना शुरू होगी और यहाँ पीछे भी क्वाली, यानी स्ट्रेस पड़ना शुरू हो गया, और जैसे ये स्ट्रेस बढ़ेगा तो यहाँ पे अनवाइंडिंग होगी, यहाँ पे क्या होगी ओवरवाइंडिंग होगी, और इस अंडर वाउंड को यानी कि जो अभी तक रिलैक्स फॉर्म में इसको हम नेगेटिव सुपर कॉइल कहते हैं, जबकि इस ओवर वाउंड को हम कहते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइल्ड। और ये इस तरीके से देखें जनरेशन ऑफ डीएनए सुपर कॉइलिंग होती है, ये हमारे पास अनवाइंडिंग से जो क्या बनेगा नेगेटिव सुपर कॉइल, और जबकि ओवर वाइंडिंग से हमारे पास बनेगा पॉजिटिव सुपर कॉइल, यानी कि एक हमारे पास क्लॉक वाइज होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा एंटी क्लॉक वाइज होगा, और यूं जो हमारे पास फैसिलिटेट करता है इसको डीएनए हेलिकेज को ताकि वो स्ट्रैंड को तोड़ता जाए। आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं इन डिटेल इन डेप्थ जाके। स्टेप नंबर वन में देखें हमारे पास बाइंडिंग होती है, कि हमारे पास आपको नजर आ रहा है ये ब्लू कलर में हमारे पास क्या है टोपोइसोमरेज है, और बीच में आपको ये देखिए आपको ये नजर आ रहा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए है 5-3 और 3-5 स्टैंड दोनों हैं। अब जब इसको थोड़ा सा आगे हम लेके जाएं तो इसकी कैसा पहले क्या करेगा क्लीवेज करेगा, यानी कि इसको जो है एक स्टैंड को ब्रेक करेगा, ये टोपोइसोमरेज 1 की बात हो रही है ठीक है। जैसे इसको ब्रेक करेगा तो देखिए रेड वाले स्टैंड को ब्रेक किया और ये जो हमारे पास ग्रीन वाला स्टैंड इसके जो है वो आर पार गुजर रहा है, और उसके बाद क्या होगा स्टैंड जो है यहां से पास ऑन करेगा, जैसे यहां पे आपको नजर आ रहा है स्टैंड जो है यहां पे जो है इंट्रैप्ट हो जाएगा फोर्थ स्टेप में, और फिफ्थ स्टेप में आप देखें तो यहां पे उसकी लाइगेशन हो चुकी है, और आगे देखिए हमारे पास जो है फिफ्थ स्टेप लाइगेशन हो जाएगा तो वहां से वो क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा, और यूं हमारे पास जो है वो डीएनए का जो अगर कोई भी स्टैंड आपस में ओवरलैप किया हुआ है सिंगल स्टैंड जो है उसको जो है यहां से ब्रेक करके उसको वहां से पास ऑन करा के उसको रिलीज कर देगा। आइए बात करते हैं टोपोइसोमरेज 2 की, वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे परफॉर्म करता है। यहां पे दो सेगमेंट हमारे पास होते हैं, डबल स्टैंड है ना, ये देखिए हमारे पास जो पर्पल कलर में है वो हमारे पास जी सेगमेंट है और टी सेगमेंट हमारे पास ग्रीन कलर में है। अगर आप उस पे गौर कीजिएगा दोनों ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये इस तरीके से पहले इसके साथ अटैच होगा, अटैच करने के बाद जो है वो जी टी यानी कि डबल स्टैंड जो ब्रेक होगी उसको टोपोइसोमरेज रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको क्या करेगा ये एटीपी की एनर्जी को यूज करते हुए डबल स्टैंड ब्रेक करेगा जी सेगमेंट के ऊपर, यानी कि यहां पे देखिए जी सेगमेंट जो है जो हमारे पास किस कलर में है जो पर्पल कलर में यहां से वो टूट रहा है। जैसे जी सेगमेंट टूटेगा तो ग्रीन जो हमारे पास है टी सेगमेंट उसमें पास ऑन हो जाएगा, यानी कि उसकी ओवरलैपिंग उसमें जो क्रॉस था उसका खत्म हो चुका है ठीक है। जैसे खत्म होगा इस ब्रेक के बाद तो ये देखिए आपके सामने जो है टी सेगमेंट अलहदा हो जाएगा और जी सेगमेंट को जो है वो इंट्रैप करके रखेगा हमारे पास कौन टोपोइसोमरेज 2, दोनों सेगमेंट आपस में से क्या हो जाएंगे दूसरे से अलहदा हो जाएंगे और यूं उसकी रिकवरी हो जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म आपके सामने है टोपोइसोमरेज 1 का और टोपोइसोमरेज 2 का। अब मैं इस पॉइंट पे तो जरूर पहुंचा हूं, अगर आप इन स्लाइड्स को या मेरे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो आपके ना ही तो हेलिकेज ना ही तो टोपोइसोमरेज आपके लिए कोई मसला होगा और आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं रेप्लिकेशन के पूरे प्रोसेस को। गुड लक योर स्टडी विद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीरीज।